फरीदाबाद से खबर, जहां विपुल गोयल के कार्यालय पर कोरोना वैक्सीनेशन का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। टीका उत्सव अभियान के तहत कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और फरीदाबाद के सैकड़ों लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। इस सेंटर से पूर्व कैबिनेट मंत्री ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के इस अभियान में शामिल होने के लिए आह्वान भी किया है। नाइट कर्फ्यू पर बोले पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, सरकार ने आम जनमानस के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, लगातार वैक्सीनेशन के इस अभियान को तेज बढ़ाने के लिए और सभी लोगों को वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए कोशिशें हो रही हैं और इसी में विपुल गोयल के द्वारा भी उनके कार्यालय पर कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। कार्यालय पर साफ तौर पर वैक्सीनेशन जो है कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर 11 से लेकर 14 तारीख तक कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे प्रदेश में साफ तौर पर वैक्सीनेशन उत्सव मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज पूर्व जो कैबिनेट मंत्री है विपुल गोयल उनके निवास पर ऑफिस है जो कहीं ना कहीं वहां पर कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन कैंप लगाया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कहीं ना कहीं वैक्सीन लगाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन लगवाए, जब भी हम कहीं ना कहीं कोरोना को मात दे पाएंगे। वहीं दूसरी ओर नाइट कर्फ्यू को बोलते हुए उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि साफ तौर पर बहुत ही अच्छा फैसला और लोगों से कहीं ना कहीं अपील की है कि साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जी बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी के लिए।